दिन भर की खबरों पर। पटना में बीएमपी 5 की एक महिला सिपाही से एक होटल में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पटना में बीएमपी 5 की एक महिला सिपाही से एक होटल में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोप जिस शख्स पर लगा है वह भी बिहार पुलिस में सिपाही है। घटना के आरोपी सिपाही को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फुलवारी शरीफ के नौहसा बगीचा मोहल्ले में मंगलवार रात 8 बजे 10 से 15 बदमाशों ने घर में घुसकर हथियार के बल पर 23 वर्षीय युवती को अपहरण लिया। परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले 35 वर्षीय मोहम्मद अफरोज आलम व अन्य पर अपहरण का मामला लगाया है। पुलिस ठेकेदार के घर में रहने वाले बतौर किरेदार मोहम्मद तनवीर आलम को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। युवती की बरामदी के लिए छापेमारी की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए महाकवि विद्यापति के नाम पर एयरपोर्ट का नामकरण करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट का आधारभूत संरचनाओं का और विकास एवं यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाने एवं महाकवि विद्यापति के नाम पर एयरपोर्ट का नामकरण करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट की आधारभूत संरचनाओं का और विकास एवं यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। विद्यापति के नाम पर एयरपोर्ट का नामकरण लंबित। एयरपोर्ट से उड़ानों की संख्या बढ़ाने का भी अनुरोध। कार्गो सहित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की मांग की बात अपने पत्रों में कहा। भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने मंगेतर धनाश्री संग शादी रचाई। उन्होंने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीर साझा की है। बता दें युजवेंद्र चहल और धनाश्री ने इसी साल अगस्त में सगाई की थी। जम्मू कश्मीर में 8 चरणों में हुए जिला विकास परिषद चुनाव के लिए मंगलवार को मतगणना हुई। अमेरिका में एक हफ्ते में 16 लाख नए मामले। बाइडेन ने कहा आने वाला वक्त मुश्किल। पाकिस्तान की बलोच एक्टिविस्ट करीमा बलोच का शव कनाडा के टोरंटो में पाया गया। पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाती थी करीमा बलोच। 2016 में दुनिया की सबसे प्रभावशाली 100 महिलाओं में शामिल किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी को अपना भाई। न्यूनतम किराया 10 रुपए सहित अन्य मांगों के समर्थन में धनबाद जिले के करीब 15,000 ऑटो चालक की बुधवार को भी हड़ताल जारी रही। ऑटो चालकों की हड़ताल के कारण 2 दिनों में शेष शहर की रफ्तार थम गई है। पुलिस को बेंगलुरु निवासी मनोज कुमार गुप्ता ने शिकायत की कि पैरागोन फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के 12,02,900 शेयर धोखाधड़ी कर बेच दिए गए हैं। इन शेयरों की कीमत 6 करोड़ के करीब आंकी गई थी। पैरागोन संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मामले की जांच की जा रही है। पटना से पूर्णिया पहुंची निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जिला कृषि पदाधिकारी शंकर कुमार झा को 1,50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। शंकर कुमार झा के खिलाफ खाद बीज व्यवसायी बमबम आलोक चौधरी ने निगरानी मुख्यालय में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें जिला कृषि पदाधिकारी पर खाद बीज दुकान का लाइसेंस वापस बहाल करने के लिए 1,50,000 रुपए घूस मांगने का आरोप लगा। पटना ट्रैफिक पुलिस काफी सख्त हो गई है। जो कोई बिना लाइसेंस प्रदूषण इंश्योरेंस आदि कागजातों के बिना पकड़ा जाता है, पटना पुलिस उन सभी का चालान काट रही है। चालान की कीमत 500 से 1500 और उससे ज्यादा भी हो। ग्रामीण एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।